Hello everyone, welcome to the channel. This is Saurabh. So this video is going to be the second video I'm posting about DTU. And before this, I posted a video which was about my first day at DTU, and I want to share some clips with you. And after that, we will continue our experience of being a DTUite. और यार, ये जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी, इस पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भाई कौन सी ब्रांच मिली वगैरह वगैरह. सो फॉर दैट आई एम नॉट डूइंग इंजीनियरिंग फ्रॉम DTU, आई एम डूइंग मास्टर्स फ्रॉम हेयर. सो हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर रहा वो ऑनलाइन था, बट यार देर इज़ लॉट मच टू शेयर. एंड फाइनली DTU जो है वो ऑफलाइन मोड में, फिजिकल मोड में ओपन होने जा रहा है. उसका हमारे पास ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, सो उसकी काफ़ी खुशी है, बट यार दुख भी है, काम ज़्यादा करना पड़ेगा. और कोई ना, सह लेंगे थोड़ा. यार DTU की कॉलेज लाइफ काफ़ी चिल सी है. हाँ, मतलब वाइब्स चिल हैं, इतनी भी चिल नहीं है. सो स्टार्ट करें अगर हम फैकल्टी से, तो प्रोफेसर्स यार DTU के काफ़ी अच्छे हैं. मतलब दे ऑलवेज मेक यू फील कम्फर्टेबल टू इंटरेक्ट विद देम. बट अगर स्टार्टिंग ऑनलाइन से हो तो वैसा कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता बेसिकली. और क्योंकि यार कैमराज सबके ऑफ होते हैं, शक्लें किसी की दिख नहीं रही होती, तो उतना इंटरेक्टिव नहीं हो पाता. बट दे ऑलवेज ट्राई देयर बेस्ट. मतलब कभी कभी तो ऐसे लगता है कि इतना पेशेंस आता कहाँ से टीचर्स के अंदर. और हाँ, मतलब प्रोफेसर्स काफ़ी हेल्पफुल तो हैं ही. मतलब अगर आप आपकी प्रॉब्लम बताते हो, चाहे वो आपके अकेडमिक से रिलेटेड हो, चाहे कॉलेज से रिलेटेड हो, दे ऑलवेज ट्राई टू हेल्प यू आउट एनी हाउ. और एक चीज़ जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है वो ये है कि दे आर नॉट लाइक कि जस्ट पढ़ाया और चले गए. दे गाइड यू एज वेल अबाउट योर करियर, कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यू कैन डू दिस एज वेल जस्ट लाइक एल्डर सिबलिंग. और तो और ये भी कि इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट करने के बजाय लिंक्डइन पे अपनी ID बना लो. देर यू कैन मीट सम गुड पीपल, मेक कॉन्टैक्ट्स विद सम गुड पीपल, इनोवेटिव पीपल. एंड मुझे पर्सनली मतलब लिंक्डइन के बारे में DTU में आके पता चला क्या कुछ होता है. एक प्रोफेसर ने ही बताया था बेसिकली. एंड लास्ट चीज़ अगर यार मैं बोलना चाहूँ तो प्रोफेसर से आपको कंफर्टेबल तो फील कराते हैं. मतलब आपको ये लगने लग जाता है कि हाँ, ये टीचर हमारे भले की सोचता है, बट जब बारी आती है मार्क्स की, टेस्ट की और असाइनमेंट्स की, देन यू फील बींग ट्रीटेड. सो अवेयर हो जाना इस चीज़ से. तो अब आते हैं DTU के कैंपस की तरफ. तो DTU कैंपस के अंदर जाने के बाद लिटरली मतलब लगता नहीं कि आप दिल्ली के अंदर हो, बिकॉज कैंपस यार एकदम बहुत सुंदर, कम्प्लीटली ग्रीनरी से भरा हुआ, अति सुंदर आई विल से. तो कैंपस के बारे में तो जितना बोल लो उतना कम है. बाकी बहुत बड़ा है यार कैंपस इसका, 167 एकर्स एज आई रिमेम्बर. सो पूरा घूमा भी नहीं जाता, और मैं तो एक बार ही गया हूँ और आधा अधूरा घूम के अपना वापस हो लिया. दोस्त लोग होने चाहिए यार कैंपस वगैरह घूमने के लिए अच्छे से. और तो कैंपस के बारे में क्या बताऊँ, पूरा कैंपस घूमा ही नहीं. तो जब DTU में जाएंगे तो फुल कैंपस टूर बनाएंगे, एक बढ़िया सा कोशिश करेंगे बनाने की. तो अब बात करते हैं यार अकेडमिक्स की. तो पढ़ाई के मामले में देखा काफ़ी बढ़िया है ही, और प्लेसमेंट्स यार काफ़ी अच्छे हैं. एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़ोन जैसी बड़ी बड़ी MNCs यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए आते हैं, तो उसमें नो डाउट बेस्ट है ही. और हाईएस्ट पैकेज एज मच एज आई हैव हर्ड इट वॉज 1.02 CR, एंड एवरेज पैकेज भी यहाँ का, मतलब एक बार का जो मैंने हाईएस्ट अब तक सुना है, इट इज़ 18 LPA लैक पर NM.
सो ये तो काफ़ी आईआईटी से भी मतलब बढ़िया है, तो कैंपस प्लेसमेंट्स वगैरह के मामले में यार काफ़ी अच्छा है, नो डाउट, इसमें कोई वो बात है ही नहीं। और इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूनिवर्सिटी कुछ भी कह लो, सो इंजीनियर्स की यार एक खास बात होती है दैट दे नेवर गिव अप। सो वैसी वैसी वाइब्स यहाँ पे फील भी होती हैं, और जो टेस्ट टेस्ट पे टेस्ट, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, एग्जाम्स एंड ऑल, तो कॉमन, दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स इन DTU। एंड यार लास्ट में ओवरऑल कंक्लूड करके बोलूँ तो काफ़ी सीरियस है अबाउट स्टडीज़ अनलाइक DU, क्योंकि वहाँ का भी एक्सपीरियंस है और काफ़ी पंचुअल एंड मेक्स अस टू वर्क और फुल पोटेंशियल। लास्ट चीज़ यार जिसको एक्सपीरियंस तो नहीं किया लेकिन सुना वो होता है जब हम ग्रेजुएशन में थे तब भी DTU के बारे में, विच इज़ द फेस्ट ऑफ DTU, NG फेस्ट, यहाँ का जो है फेमस फेस्ट है। और या अगर अभी तो खुल रहा है वही वो होता है, अगर जाने का मौका मिले तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एन्जॉय विद फ्रेंड्स। और यार एक चीज़ और अगर मैं DTU के बारे में बताना चाहूँ तो वो है यहाँ के एलुमिनाई, तो एलुमिनाई की लिस्ट यार बहुत बड़ी है, मैंने देखे लिटरली। और उसमें अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत यहाँ के एलुमिनाई हैं, और पेटीएम के फाउंडर, और रिसेंटली अभी हमारी एक हमारे डिपार्टमेंट ने एक टॉक एक इंटरेक्टिव सेशन अरेंज किया था, तो उसमें दो फाउंडर आए थे, मैंने जो अटेंड की थी वो थी फिनिक्स के जो फाउंडर हैं उनके साथ, और काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन रहा। तो या दिस इज़ ऑल अबाउट DTU विच आई एक्सपीरियंस्ड इन माई फर्स्ट सेमेस्टर। सो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड इफ़ यू आर ए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट दैन यू विल गेट अ लॉट ऑफ इनोवेटिव कंटेंट ऑन दिस चैनल, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम ऑन SaurabHannibal2105, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन फॉर फर्दर वीडियोज़। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।